द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस जंग में बड़ी भूमिका निभा रहे अमेरिका डर गया है। अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, इजराइल का साथ बीच जंग में ही छोड़ दिया है। इसके पीछे कई वजहें हैं, जो इस वक्त जानकारी है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। आरटी उर्दू ने ट्वीट किया है, जो बाइडेन की तस्वीर है और लिखा गया है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, वी विल नॉट सेंड यूएस ट्रूप्स टू द गाजा स्ट्रिप। आई टोल्ड नेतन्याहू दैट रिकैप्चरिंग द गाजा स्ट्रिप वाज अ मिस्टेक। यहां पर कहा जा रहा है कि उनका स्टेटमेंट है जो बाइडेन का, कि हम अब अपनी सैन्य शक्ति इजराइल के पास नहीं भेजने जा रहे हैं। हमने पहले ही इजराइल को चेतावनी दी थी कि गाजा को दोबारा से कैप्चर करना सही निर्णय नहीं है। और जब ग्राउंड ऑपरेशन की बात इजराइल ने की, तब भी अमेरिका ने उस वक्त मना किया था। हालांकि हथियार सप्लाई देने में इजराइल अभी भी जो है अमेरिका का मोहताज है और अमेरिका दे भी रहा है। सवाल यह है कि अमेरिका इस वक्त सैन्य शक्ति देने से मना किया है, लेकिन अब हथियार भी नहीं दे पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कई मोर्चे पर अमेरिका अब अपने ही देश में घिरता जा रहा है। खुद जो बाइडेन के खिलाफ तो केस भी दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, एक ऐसा प्रस्ताव भी आया जहां पर इजराइल के खिलाफ अमेरिका को जाना पड़ गया। ये सारी खबरें हम आपको बारी बारी से दिखाते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ कैसे FIR तक दर्ज कर दिया गया है। यह खबर है हिंदुस्तान पे, हेडलाइन में लिखा गया है, नरसंहार में शामिल हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन, रक्षा और विदेश मंत्री भी दे रहे साथ, अमेरिका में दर्ज हुआ मुकदमा। अमेरिका में जो केस दर्ज हुआ है उसमें डिटेल क्या है, क्योंकि इजराइल ने जिस कदर गजा पट्टी में निर्दोषों को मारा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े देश जो इजराइल के दोस्त थे, सबने इजराइल की आलोचना कर दी, उनकी थू थू कर दी, तो अमेरिका कैसे इसमें बचा रहता। अब अमेरिका के खिलाफ ही केस हुआ है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ उनके ही देश में मुकदमा दर्ज हुआ है। अकेले जो बाइडेन ही नहीं, बल्कि उनकी कैबिनेट के दो मंत्रियों पर भी केस दर्ज हुआ है। यह मामला इजराइल द्वारा गाजा पर की जा रही बमबारी से जुड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके दो कैबिनेट सदस्यों पर गाजा में नरसंहार को रोकने, सहायता करने और मदद को बढ़ावा देने में विफल रहने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। अब यह मुकदमा दूर तक जाएगा। एक झटका जो बाइडेन को यहीं पर लगा, क्योंकि अमेरिका में बाइडेन अगले टर्म में रहेंगे नहीं रहेंगे, तो इन सब फैक्टर को गौर करना भी काफी जरूरी हो जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये देखिए कि कैसे अब इनके लिए मुश्किल की घड़ी आ गई है। उनके ही पार्लियामेंट से एक सांसद ने विद्रोह कर दिया है। यह रिपोर्ट भी हिंदुस्तान पर छपी है। यहां पे बताया जा रहा है कि अमेरिका के इजराइल प्लान के आरे आई एक मुस्लिम सांसद, पाकिस्तान से भी है कनेक्शन। इस मुस्लिम सांसद ने जो बाइडेन को एकदम से टाइट कर दिया है। रिपोर्ट देखिए क्या बताया जा रहा है। एक मुस्लिम महिला सांसद ने अमेरिका द्वारा इजराइल को दिए जाने वाले आर्थिक पैकेज को रोकने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य इलहान उमर की। इलहान अमेरिकी संसद में एक कानून पेश करने की योजना बना रही है। अगर यह कानून पास होता है तो यह अमेरिका के इजराइल प्लान में अड़ंगा डाल सकता है। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने इजराइल के लिए बम उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए मल्टी मिलियन डॉलर के पैकेज का प्रस्ताव रखा है। अब इलहान उमर इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए इस सप्ताह कानून पेश करेंगी। उनकी योजनाओं से परिचित एक सूत्र ने हफिंगटन पोस्ट को यह जानकारी दी है। यानी कि जो बाइडेन लगभग 350 मिलियन डॉलर के पैकेज की बात कर रहे हैं। वो हथियार के उपकरण जो होते हैं, चाहे बम बनाने के लिए या फिर बड़े बड़े मिसाइल बनाने के लिए, वो सारी चीजें इजराइल को सौंपने जा रहे थे। ये डील 320 मिलियन डॉलर की हो रही थी, लेकिन यहां पर इन्होंने अब अड़ंगा डाला है। बताया जा रहा है कि यह करार तो पहले हुआ था, लेकिन जब इजराइल के इस करतूत को देखा गया, दुनिया ने देखा कि कैसे इजराइल नरसंहार करने पर उतारू हो जाता है, बेकसूरों को मारता है,
तब इल्हान उमर ने अपने कदम पीछे खींचे और जो बाइडेन को रोकने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। और इस प्लान में निश्चित तौर पर बाइडेन साहब फंसेंगे, जो कि दुनिया देख रही है ना गाजा पट्टी में क्या हुआ। बाइडेन भी राहत सामग्री पहुंचाने के लिए मिस्र से बातचीत करके ट्रकों का रास्ता खुलवा बैठे थे, लेकिन इन सब के बावजूद इसराइल किसी की सुन नहीं रहा था। इसराइल को झटका तो खूब लग रहा है, अब इसराइल को झटका लगता है तो अमेरिका को भी लगता है। एक यूएन में प्रस्ताव आया कि इजरायली सेटलर्स जो फिलिस्तीनी क्षेत्र में घुसे पड़े हैं वो इलीगल है, इस पर वोट किया जाए। तो दुनिया के कई देशों ने वोट किया और आश्चर्य तब हुआ जब भारत ने भी इस मामले में इसराइल का साथ नहीं दिया। दुनिया के कई देशों ने नहीं दिया, अमेरिका और कुछ देशों को छोड़ दें तो बाकी सब ने कहा कि इसराइल फिलिस्तीन में जो भी कर रहा है वो गलत है, वो इलीगल है। वहां तो झटका लगा ही था, अब यहां से एक मुस्लिम महिला सांसद ने भी झटका दिया। दूसरी तरफ जो बाइडेन है उनके खिलाफ FIR मुकदमा दर्ज किया गया अमेरिका में ही कि आप नरसंहार को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इससे बड़ी खबर एक और देख लीजिए, हमने कहा कि सारी खबरें एक से बढ़कर एक। इसमें क्या बताया जा रहा है कि यूएन में एक बड़े मुद्दे पर इसराइल की हार हो गई, उनका साथ अमेरिका भी नहीं दे पाया। हेडलाइन देखिए, इंडिया टीवी ने लिखा है, यूएन में इस मुद्दे पर हारा इसराइल, अमेरिका भी नहीं कर सका मदद, अब गाजा में नेतन्याहू की बढ़ सकती है मुश्किल। ये जो हथियार वाला पैकेज देने का प्लान ये कर रहे थे ना, वहीं पर अब सारा खेल धीरे धीरे बिगड़ रहा है। ये बम बनाने के उपकरण दे देंगे, हथियार दे देंगे, लेकिन उससे क्या होगा जब इसराइल को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। यहां बताया जा रहा है अमेरिका ने तो हमास के खात्मे के लिए इसराइल को भारी भरकम रक्षा पैकेज भी दिया है। इन सब के बीच इसराइल के लिए बुरी खबर है। दरअसल इसराइल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक मुद्दे पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। अमेरिका भी इस मुद्दे पर इसराइल का साथ नहीं दे सका। इस हार के बाद अब गाजा में नेतन्याहू को अपने अभियान के मद्देनजर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब वो किस बात को लेकर वोटिंग हुई थी, क्या मामला था, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में इजराइल के जमीनी और हवाई हमलों के बीच फलस्तीन के आम नागरिकों की बढ़ती मुश्किलों को कम करने के लिए तत्काल तथा विस्तारित मानवीय संघर्ष विराम की मांग वाला एक प्रस्ताव पेश किया था। इसे संयुक्त राष्ट्र ने अंगीकार कर लिया, यानी अमेरिका मानता है कि युद्ध विराम की जरूरत है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकार किया गया यह पहला प्रस्ताव है। हालांकि इजराइल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, बावजूद इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, संयुक्त राष्ट्र उसे गाजा में संघर्ष विराम के लिए मजबूर कर सकता है। अब यहां से मामला बिगड़ेगा क्योंकि अमेरिका के पास विकल्प नहीं है। अमेरिका अब अपनी सैन्य शक्ति भी इजराइल को नहीं देगा। हथियार अगर वो $320 मिलियन के करार के बाद वो मुहैया कराने की प्लानिंग कर रहा है अमेरिका, तो उनके ही संसद में बवाल छिड़ेगा और वो प्रस्ताव पास होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति के कदम रुक जाएंगे, क्योंकि वहां कानून की शक्ल लेते के साथ ही हर कुछ करना आसान नहीं होगा। इजराइल की मदद में हम बाहें खोल करके हथियार नहीं भेज पाएंगे, बाइडेन साहब समझ चुके हैं। तो कई मामले पर अब इजराइल की कमर टूटते जा रही है। दूसरी तरफ अगर जंग के दृष्टिकोण से देखें तो हमास के लड़ाके ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायलियों पर काफी भारी पड़ रहे हैं, इजरायली सेना की खूब जाने जा रही हैं। ऐसे में नेतन्याहू अपने घमंड अपनी जिद के आगे ना जाने कितनी लाशें और देखना चाहते हैं। जबकि दुनिया के कई देश, अब अमेरिका भी, फ्रांस ने, तमाम देशों ने कहा है कि आप जंग लड़ रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन नरसंहार का अधिकार हम नहीं देंगे, हम इस पर साथ नहीं देंगे। ये दुनिया देख रही है कि इजराइल ने कैसे गाजा पट्टी में नरसंहार किया है। यह आतंकवाद को खत्म करने का जरिया नहीं हो सकता है। और ऐसे में जब सीधे सीधे सीज फायर की मांग फ्रांस की तरफ से की गई तो उस वक्त नेतन्याहू भड़क उठे थे। और जब दूसरी तरफ आपने देखा एंटोनियो गुटेरेस ने भी, जो यूएन के महासचिव हैं, उन्होंने भी कहा था कि इजराइल ने गलत किया है, तो उन पर भी भड़क गए। लेकिन अब उनका सबसे करीबी दोस्त अमेरिका ही उनका साथ छोड़ेगा तो उनके नींदे उड़ेगी या नहीं उड़ेगी। तो अमेरिका भी घबरा उठा है, इसराइल तो छटपटाएगा ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।